नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेनू वैद्य, जो आपको कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान पढ़ा रही हूँ। आज हम बच्चों यूनिट 2 भारत में शासन का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 3 चैप्टर यूनिट 1 में पढ़े थे। पहला हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं, दूसरा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज हम यूनिट 2 का चैप्टर 1 संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, आप सब जानते हैं भारत में संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है, और संसदीय शासन व्यवस्था भारत की वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। इस वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर हमारी संसदीय व्यवस्था आधारित है, और संसदीय शासन व्यवस्था भारत में है। जबकि बात करें बच्चों अमेरिका की, तो अमेरिका में बच्चों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सी है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब यही है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसके आधार पर हमारे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है। तो देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था जो कि भारत में विद्यमान है, और हमने इसको ब्रिटेन से लिया। कहाँ से लिया बच्चों? ब्रिटेन से ग्रहण की है। इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका उस कानून की सुरक्षा करती है। इन 3 सरकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है बच्चों, और अनुच्छेद 52 से लेकर 147 तक आपको संघ सरकार के बारे में जानकारी मिलती है। बात करें हम व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका को भारत में संसद के नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको संसद बोलते हैं। अमेरिका में इसी व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जापान में इसको डाइट कहते हैं, अफगानिस्तान में इसको सुरा कहते हैं, इसके अलावा इराक की बात करें हम, तो इराक में इसको मजलिस कहते हैं। और ब्रिटेन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट है। तो अलग अलग देशों में पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, उसमें व्यवस्थापिका जो कि कानून बनाती है, उसका दूसरा नाम है बच्चों संसद। संसद की अगर हम बात करें, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर के व्यवस्थापिका का जो उल्लेख है, वो अनुच्छेद 52 से लेकर के कहाँ तक करता है? आपका 52 से लेकर के 72 तक जो उल्लेख करता है, वो कौन किसका है? व्यवस्थापिका का है। न्यायपालिका का उल्लेख 124 से लेकर 147 तक है, और आपका अनुच्छेद 73 से लेकर के 78 तक है। 79 से लेकर के 122 तक जो है आपका, वो किसका उल्लेख है? कार्यपालिका का उल्लेख है। हमारे भारत की जो व्यवस्थापिका है बच्चों, उसके 2 सदन हैं। कितने सदन हैं? 2 सदन हैं बच्चों। पहला है आपका लोकसभा, और दूसरा है बच्चों आपका राज्यसभा। ये 2 सदन हैं हमारी इसकी व्यवस्थापिका के, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करें, तो हमारे भारत में इसका गठन हुआ अप्रैल 1952 में,
और व्यवस्थापिका या संसद का निर्माण इन तीनों से मिलकर के होता है, ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई है कि व्यवस्थापिका का निर्माण या संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में देखने को मिलता है। बात रही बच्चों लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन दिया हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि हमारे देश में सरकार के तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की सुरक्षा करती है। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का दूसरा नाम है बच्चों संसद। अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं, अफगानिस्तान में सुरा के नाम से जाना जाता है, इराक में इसको मजलिस कहा जाता है और ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। बात रही हमारे भारत की, तो भारत में व्यवस्थापिका के दो सदन है बच्चों, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में मिलता है और राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है। और संसद का निर्माण इन तीन से मिलकर के बना होगा बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ये बात हमारे अनुच्छेद 79 में बच्चों देखने को मिलती है। अब बात रही व्यवस्थापिका के उल्लेख की पृष्ठभूमि की बात करें, तो व्यवस्थापिका या संसद की जो चीज हमने ली वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट से ली बच्चों। ब्रिटेन से संसद आया, ब्रिटेन में आपको पता होना चाहिए दो सदन है, लॉर्ड सभा और लोकसभा। लॉर्ड सभा वहां पे विशिष्ट जो लोग हैं या विशिष्ट उच्च जाति के जो लोग हैं उन लोगों को लॉर्ड सभा में शामिल किया गया है। और एक प्रतिनिधि सदन है, उस प्रतिनिधि सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो वैसा ही हमने ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को स्वीकार करते हुए भारत में भी दो सदनों को स्वीकार दिया, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के प्रमाण हमें बच्चों सबसे पहले मिलते हैं 1892 के भारत शासन अधिनियम से। इस भारत शासन अधिनियम में 16 मेंबरों को चुना गया और 16 में से 4 मेंबर्स को अस्थायी रूप से चुना गया। तो इन प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रमाण हमें 1892 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें बच्चों 1909 के अधिनियम की। 1909 के अधिनियम में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हमारे भारत में थी और यहाँ पर इन सदस्यों को बढ़ा करके कितना कर दिया, 60 सदस्य कर दिए गए। कौन से अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में। उसके बाद आता है बच्चों 1919 का अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चैम्स कोड अधिनियम 1919, जिसने भारत में सांप्रदायिक सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया, हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का प्रयास 1909 के अधिनियम में किया गया और 1919 के अधिनियम में ईसाइयों और पारसियों को भी अलग करने का कार्य किया गया था। तो 1919 के अधिनियम में बच्चों दो सदन बनाए गए, एक का नाम था बच्चों क्या था, राज्य परिषद, और दूसरे का नाम था बच्चों विधानसभा। तो ये दो सदन जो है आपको 1919 के अधिनियम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में भी व्यवस्थापिका को दो सदनों में ही विभाजित रखा गया था बच्चों, दो सदन रखे गए थे, लेकिन इन दोनों सदनों को उतना अधिकार नहीं दिया गया था, ये प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं मानी जाती थी, क्योंकि इस समय 1935 में 15% लोगों को ही
वोट देने का अधिकार प्राप्त था तो ये जनप्रतिनिधि संस्थाएं नहीं बन पाई थी। ये तो ब्रिटिश काल में व्यवस्थापिका के प्रमाण है बच्चों। अगर हम बात करें हमारे ऋग्वेद के काल में, कौन से काल की? ऋग्वेद के काल की। तो ऋग्वेद के काल में भी बच्चों लोकसभा और राज्यसभा के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। आप सबको पता होना चाहिए उस समय में भी दो जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी बच्चों, एक का नाम था सभा और दूसरे का नाम क्या था? समिति था। क्या था? समिति था। समिति तो आज जो हमारी लोकसभा है वैसी थी, और सभा जो है उच्च लोगों की संस्था थी जिसे हम क्या कह सकते हैं? राज्यसभा के नाम से जान सकते हैं। तो ऋग्वेद में भी हमें जनप्रतिनिधि संस्थाओं या व्यवस्थापिका के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में आप सभा और समिति, समिति एक जनप्रतिनिधि संस्था थी, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, जो आधुनिक लोकसभा के सदृश हमें दिखाई देती है। और दूसरा है आपका बच्चों क्या? सभा, जिसमें उच्च लोगों को शामिल किया जाता है, उसके हम राज्यसभा के रूप में उसको देख सकते हैं। आज हमारे देश में कई ऐतिहासिक प्रमाण शिलालेखों के माध्यम से हमें द्विसत्तात्मक व्यवस्थापिका के प्रमाण मिलते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में हमने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया है। दो सदन है, दो सदन कौन कौन से है बच्चों? एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। इन दो सदनात्मक व्यवस्थापिका को हमने भारत में अपनाया है। और इस लोकसभा और राज्यसभा का जो आपका सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका, इसी व्यवस्थापिका के सदस्य मिलकर के कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और कार्यपालिका में आपका कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों तरह के जो आपके कैबिनेट मंत्री है वो आपके उपराष्ट्रपति, ये सब कार्यपालिका के सदस्य माने जाते हैं। और संघीय न्यायपालिका में न्यायपालिका का जो सर्वोच्च अंग है बच्चों वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। कौन है बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय। तो आज आपने क्या देखा? आज आपने देखा कि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन की दीन है, ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। और हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें सरकार के तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की सुरक्षा करती है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में इस सरकार का वर्णन किया गया है। और व्यवस्थापिका का ही दूसरा नाम है बच्चों क्या? संसद। और संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के होगा, ये कहता है हमारा अनुच्छेद 79। बाकी लोकसभा का उल्लेख, हमारे देश में लोकसभा होगी इसका उल्लेख करता है हमारा अनुच्छेद 81। और हमारे देश में राज्यसभा होगी इसका उल्लेख करता है अनुच्छेद 80। तो इस प्रकार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जरूर याद रखना बच्चों, बिना राष्ट्रपति के संसद का निर्माण नहीं होता, कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। अब बात आती है बच्चों कि ब्रिटेन में से हमने ये सब चीजें सीखी, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शासन किया तो 1935 के अधिनियम में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के लक्षण मौजूद थे। 1919 के अधिनियम में भी दो सदन मिलते हैं आपको, राज्य परिषद और विधान सभा। 1909 में 60 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया था, एक सदनीय विधान परिषद यहाँ पर स्थापित थी। 1892 में 16 सदस्यीय एक कार्यपालिका का संगठन बनाया गया था जिसमें 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। इसके अलावा ऋग्वेद में भी हमें व्यवस्थापिका के प्रमाण देखने को मिलते हैं, सभा और समिति। क्या मिलते हैं? सभा और समिति।
इसके अलावा आप देखो भारत सरकार अधिनियम में कैबिनेट जो मंत्री है 1935 के अधिनियम में कैबिनेट मंत्री की बात देखने को मिलती है। समिति वर्तमान लोकसभा के समान है और सभा जो है वो राज्यसभा के समान हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है बच्चों किसकी बात करते हैं हम, हमने देख लिया कहाँ पर आ गए हम, संसद में आ गए, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में है और भारत में पार्लियामेंट को संसद के नाम से जाना जाता है। और इस संसद के दो सदन है बच्चों, पहला है आपका लोकसभा और दूसरा है बच्चों आपका राज्यसभा, और इनमें आपको राष्ट्रपति को अगर मिला दे तो इन तीनों से मिलकर के बच्चों किसका निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक बना दिया तो जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे वो कानून नहीं बन सकता। समझ में आया? अब बात आती है कि आप जो है लोकसभा होगी इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा होगी इसका उल्लेख मिलता है बच्चों अनुच्छेद 80 में। लोकसभा और राज्यसभा का गठन हमारे देश में अप्रैल 1952 में हुए, 1951 में हमारे देश में प्रथम आम चुनाव करवाए गए और इन आम चुनाव के दौरान लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा का नाम बच्चों पहले था आपके राज्य परिषद, 1954 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया बच्चों, राज्यसभा कर दिया गया। अब बात आती है कि अगर आपको क्या बनना है, संसद का सदस्य बनना है तो हम इन सब के लिए हमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इनको क्या क्या शक्तियां दी गई है, लोकसभा क्या कार्य करता है, राज्यसभा क्या कार्य करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों क्या, राज्यसभा। देखो बच्चों राज्यसभा और लोकसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा को हम कहते हैं बच्चों उच्च सदन, क्या बोलते हैं, उच्च सदन। इसके अलावा हम इसको द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं और द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में देखने को, 80 में देखने को मिलता है। राज्यसभा की अगर हम बात करें बच्चों तो राज्यसभा के सबसे पहले बात करते हैं सदस्यों की, किसकी बात करते हैं, सदस्यों की बात करते हैं। तो राज्यसभा के जो क्षेत्र है उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि अधिकतम संख्या हो सकती है 250। हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि इनके सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो है इनके सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, 245 है। 245 जो सदस्य है बच्चों उनमें से 229 जो सदस्य है वो चुने जाते हैं कहाँ से, राज्यों से। कहाँ से चुने जाते हैं बच्चों, राज्यों से चुने जाते हैं। और आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से कितने, केवल दो में है, दिल्ली और पुडुचेरी, यहां से 4 सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो आपकी बुकों में अभी नहीं आया है बच्चों, जम्मू कश्मीर का जो प्रदेश है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा होने के कारण, लद्दाख का क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद इनकी संख्या में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आपकी बुक में अपडेट नहीं है, तो मैं आपको पिछला जो रिकॉर्ड है बच्चों वो ही समझा रही हूँ। आगे के वीडियोस में हम वो भी जो नया अपडेट आया है वो आ गया है, लेकिन आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो बच्चों वर्तमान में 245 सदस्य है और राज्यसभा में 250 मेंबर अधिकतम रूप में क्या कर सकते हैं, अधिकतम रूप में 250 संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है, 245 में से 229 राज्यों से आते हैं और 4
संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी ही ऐसा है जहां पर राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं। दिल्ली से भेजे जाते हैं 3 और पुडुचेरी से भेजे जाता है 1। अब ये जो है सदस्य है, इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है बच्चों? इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? इन सदस्यों को राज्यों द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा बच्चों? राज्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनको बच्चों क्या किया जाता है? चुना जाता है। किनको? इन मेंबर्स को चुना जाता है। पहले गुप्त मतदान के आधार पर चुना जाता था, लेकिन अब बच्चों किसके माध्यम से चुना जाता है? 2003 से इनको चुनने में खुला मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। खुला मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि संसद के कितने सदन हैं बच्चों? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है। राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, उस राज्यसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ था और 1954 में इसका राज्यसभा नाम दिया गया, क्योंकि इससे पहले राज्यसभा का जो नाम था बच्चों वो क्या था? राज्य परिषद था। ठीक है, 1954 में इसको राज्यसभा का क्या दिया गया बच्चों? नाम दिया गया, राज्यसभा का इसको नाम दिया गया। और इसके जो सदस्य हैं वो वर्तमान में कितने बताए मैंने आपको? 245। 245 में से 229 राज्यों से चुने जाते हैं और 4 जो है वो संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। उनमें से 2 से ही चुने जाते हैं, 1 है आपका दिल्ली और 1 है आपका पुडुचेरी। दिल्ली से 3 चुने जाते हैं, पुडुचेरी से 1 चुना जाता है। 229 और जो ये इन सदस्यों का जो चुनाव है, और संविधान में कहा है इनकी अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में देखने को मिलता है। अब बात आती है इनके सदस्यों का चुनाव कैसे करते हैं बच्चों? तो सदस्यों का चुनाव राज्य करते हैं। कौन करते हैं? राज्य करते हैं। सदस्यों का चुनाव राज्य किसके आधार पर करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसीलिए राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राज्यों के प्रतिनिधियों का द्वारा चुना जाता है। ये जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये है राज्यसभा। यहाँ पर बात हो गई अपने सदस्यों के चुनाव की। अब ये बात आती है कि ये जो सदस्य हैं सभी राज्यों से एक साथ नहीं हटाए जाते हैं। 1/3 जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष का। अब ये होता है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद आते हैं और जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती बच्चों, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद नए सदस्य आते हैं और पुराने सदस्य चले जाते हैं, तो हमेशा इसमें सदस्य बने रहते हैं। हालांकि हर सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है हर सदस्य का कार्यकाल। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इन सदस्यों का हमने क्या कर दिया? चुनाव कर दिया। अब बात आती है आरक्षण की। राज्यसभा में बच्चों किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ये राज्यों के प्रतिनिधि अपने हिसाब से क्या करते हैं बच्चों? चुन करके भेजते हैं।
अब बात आती है बच्चों निर्वाचन हमने पढ़ी लिया, अब आता है कार्यकाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्यकाल की। तो कार्यकाल मैंने आपको बता दिया, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। गणपूर्ति की अगर हम बात करें बच्चों तो 1/10 इन सदस्यों की क्या होनी चाहिए? गणपूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा की अगर हम बात करें बच्चों तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम सभापति कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? सभापति के नाम से जिसको जाना जाता है। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है बच्चों वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ये बात कहता है आपका अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। ये बात कहता है कि भारत का पदेन सभापति, सॉरी राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा बच्चों वो राज्यसभा का सभापति होगा। इसके अलावा बच्चों एक उपसभापति भी होता है जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से मिलकर के क्या करते हैं? करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इन सदस्यों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु होनी चाहिए 30 साल, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए, मानसिक रूप से सही होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। तो आज हमने संसद में राज्यसभा के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको मैंने केवल संसद का एक रूपरेखा तैयार की है, पृष्ठभूमि तैयार की है, ताकि आगे के वीडियोस में आप इसको बहुत अच्छे से तरीके से समझ सको। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं बच्चों, तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं। और कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान रखें, जब भी आप मेरा वीडियो सुने आप इसमें जो भी मैंने यूनिट में आपको पढ़ाया है उसको ध्यान से सुने, ताकि आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। आगे के वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो हम देखेंगे। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।